गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन, और मैं अभी जा रहा हूँ फिफी आइलैंड घूमने के लिए। मैं आपको दोनों आइलैंड के बारे में भी बताऊंगा। जेम्स बॉन्ड आइलैंड ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी मैं फिफी आइलैंड कंप्लीट करने जा रहा हूँ। कौन सा आइलैंड बेस्ट है या बेटर है, या कौन सा आइलैंड में आपको जाना चाहिए, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बोलने वाला हूँ। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक्चुअली फिफी आइलैंड मेरा काल जाने का बात था, लेकिन मैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड घूम के आके जब मैं पैकेज बुक करवाने गया तो बोला कि पैकेज पूरा सोल्ड आउट हो गया है, मतलब और एक भी जगह खाली नहीं है, तो इसलिए मेरा काल मतलब जा नहीं पाया। मैं आज जा रहा हूँ, मैं पूरा फिफी आइलैंड का जो डिटेल्स है मैं बताऊँगा आपको और दिखाऊँगा भी। तो मेरा गाड़ी आ गया है, ये देख सकते हैं, एकदम टाइम पे आया है, 9:05 पे, क्योंकि टाइम दिया गया था 8:45 to 9, तो 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, गाड़ी मेरा आ गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं फिफी आइलैंड। तो चलिए अभी गाड़ी पे बैठ गए हैं और अभी जाने वाले हैं फिफी आइलैंड। इससे पहले और दो आदमी को उठाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से एक डॉक पे आ गए हैं। तो कुछ इस तरीके का एक रेड बैंड गाड़ी से उतरते ही बांधा गया है, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ये फिलअप कर दिया हूँ, अभी यहाँ पे देखता हूँ, वही सेम चीज़ है, यहीं पे आपको टोपी वगैरह ये सब आपको सेल करने के लिए लगा हुआ है, टोपी, जूता, क्रीम, सनस्क्रीन, लोशन, ये सब यहाँ पे मिल जाता है, आप यहाँ पे आके ये सब खरीद सकते हैं अगर बाई चांस आप नहीं लाए हैं। और इस साइड में कुछ ब्रेकफास्ट या फिर कुकीज़, ड्रिंक्स, ये कम्प्लीमेंटरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ड्रिंक्स वगैरह ले लेता हूँ, ये कुकीज चाट तो ले लेता हूँ। Today you come with our company, today you book ticket, what you have include a package for you, okay, information just only 10 minutes, okay। तो अभी ये पूरा सब रेड टीम है, रेड टीम मतलब ये जिसके हाथ में ये रेड कलर का बैन है वो रेड टीम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टीयर की तरफ, वही तो अभी पूरा ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा टीम जा रहे हैं, ये सभी रेड टीम है, जिसके हाथ में ये रेड बैंड है वो रेड टीम। मैं फेस पे सनस्क्रीन लगा लिया हूँ, मेरे हॉस्टल से हमको जब पिकअप किया वहीं से यहाँ तक आने में करीब 1 घंटा टाइम लगा, और जेम्स बॉन्ड आइलैंड जब जा रहे थे उस टाइम भी हॉस्टल से जेम्स बॉन्ड के लिए जो पियर में जाना पड़ा वो भी 1 घंटे का था। तो फिलहाल 1 घंटा जर्नी करने के बाद एक स्टेशन पे आया जहाँ पे हम लोग को कुछ गाइड किया गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर कुछ खरीदना है तो खरीद लीजिए, अगर कुछ टॉयलेट वगैरह जाना है तो यहाँ पे टॉयलेट था, तो टॉयलेट कंप्लीट करके वहाँ पे कुछ स्नैक्स या मतलब कुकीज़ था और उसके साथ ऑरेंज जूस था, तो ये खाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बोट की तरफ। इस लाइन पे आपका हॉस्टल का नाम या होटल का नाम मिला के टिकट चेक किया जा रहा है, टिकट पहले ही गाड़ी के ड्राइवर के हाथ पे दे दिया गया था, यहाँ पे सिर्फ आपका नाम और आप कितने परसेंट हैं वो चेक करके उसी हिसाब से बोट पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये ही देखा गया कि मैं कौन सा होटल या हॉस्टल से हूँ, और ये रहा पीछे मेरा बोट, बोट पे जाना है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। बोट में आते ही एक लाइफ जैकेट दिया गया है, तो इसे अभी हमको पहनना है। कैसा लग रहा हूँ?
फिलहाल मैं तो एकदम पीछे में बैठा हूँ ताकि ये स्पीड बोट का जो बम्पी है ये फील ना हो, क्योंकि आप अगर ऐसे पीछे बैठते हैं तो आपको स्पीड बोट का बम्प फील नहीं होगा। लेकिन पहला जो आइलैंड है वहाँ पे हम लोग को स्नॉर्कलिंग कराया जाएगा, उसके बाद लिया जाएगा माया बे, और जब मैं माया बे के लिए जाऊँगा उस टाइम मैं एकदम सामने चला जाऊँगा, क्योंकि माया बे आइलैंड में तो उतरेगा नहीं, वो सिर्फ जाने के टाइम में जो सिविक ड्यूटी मिलता है वही मिलेगा। तो उस टाइम में मैं एकदम सामने चला जाऊँगा, मतलब स्नॉर्कलिंग करने के बाद मैं जब बोट पे चलूँगा तो सामने चला जाऊँगा, अगर अलाउ करते हैं तो। और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होता है या कोई किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को स्किन डिजीज है, तो उसके लिए यहाँ पे पूछ लिया जाता है, और प्रेग्नेंट लेडी को स्पीड बोट में अलाउ नहीं करते हैं, और प्रेग्नेंट लेडी को स्पीड बोट में चढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। खैर ये हालत से हो, ठीक हो एकदम? आप कहाँ से हो? इंग्लैंड से हो? इंग्लैंड से हो? ओके, मैं कोलकाता से हूँ। मतलब आप बोर्न एंड ब्रॉट अप इंग्लैंड में ही हैं? बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड। ओके, पेरेंट्स फ्रॉम गुजरात? गुजरात। ओके, गुजराती? हाँ गुजराती। ओके, मी माय नेम इज चमिला, हैप्पी न्यू ईयर, यू कम विद मी, यू वांट टू हैप्पी, या यू हैप्पी, मी हैप्पी, यू डोंट हैप्पी, मी हैप्पी। चाचा हेलो, हम लोग पहुंच गए फिफी आइलैंड। ये एक्चुअली थर्ड स्टॉप है, दो स्टॉप दिया था स्नॉर्कलिंग के लिए, वहाँ पे कोई ऐसा बीच या जेटी नहीं था, नॉर्मली ऐसा स्टॉप दिया था। हाथ में सिर्फ डेढ़ घंटा है, डेढ़ घंटे में आपको जो करना है यहाँ पे कर लीजिए। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और सामने और भी खाओ, ये सब रेस्टो बना हुआ है। जैसे जेम्स बॉन्ड आइलैंड में एक गांव था जहां पे सिर्फ रेस्टोरेंट बना हुआ था जहां पे सभी टूरिस्ट आते हैं खाते हैं, वैसे ही फिफी आइलैंड में भी ऐसा रेस्टो बना हुआ है जहां पे हम जैसे टूरिस्ट आते हैं और खाना खाते हैं। और ये मेरे पीछे रेस्टो देख सकते हैं, रेस्टोरेंट कहीं पे भी आप बैठ जाओ, खाना वहाँ पे बफे सिस्टम लगा हुआ है, आप कहीं पे भी बैठ जाओ और खाना एंजॉय करो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे फिफी आइलैंड में जब आप टूर करेंगे तो आपको लंच के लिए इसी रेस्टोरेंट, मतलब फिफी आइलैंड में जब लेके आएंगे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है जहाँ पे आप लंच कर सकते हैं। यहाँ पे लंच मतलब
वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। मैं आपको नॉन वेज दिखा देता हूँ, वेज दिखा देता हूँ और उसके साथ क्या क्या मिलता है वो दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए जो ऑप्शंस है वो कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, ये नूडल्स है, यहाँ पे कुछ सूप्स वगैरह रखा हुआ है और आलू है, आलू और उसके साथ थोड़ा सा ग्रेवी है और राइस है। तो ये ऑप्शंस है और ये हमारी गाइड है टूर करने, जहाँ हम लोग को फिफी आइलैंड यही घुमा रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। तो ये वेजिटेरियन का यही ऑप्शंस है और नॉन वेज के लिए आपके पास जो ऑप्शंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नॉन वेज के लिए आपके पास वही सेम चीज़ है, राइस है, सूप है, वही दो सूप, सेम दो सूप्स है, नूडल्स है, टमाटर सॉस है और आलू की जगह यहाँ पे चिकन है। अंतर सिर्फ यही है कि अगर आप वेज हैं तो आपको आलू मिलेगा और अगर आप नॉन वेज हैं तो आपको ये चिकन मिलेगा। बाकी सारा का सारा जो डिश है वो सेम है और सॉरी, और यहाँ पे खाने के बाद अगर आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आपको वाटर मिलन्स का ऑप्शन मिल जाता है। वाटर मिलन्स मिलेगा और वहाँ पे ठंडा पानी रखा हुआ है और उससे में कुछ चाय और कॉफ़ी भी रखा है, आप जो चाय ले सकते हैं और जितना चाय खा सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। हाँ, खाना आप एक बार लेंगे लेकिन चाय कॉफ़ी आप जितने बार चाय खा सकते हैं। तो मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट है, यहीं पे बैठ के आपको खाना है और ये पैकेज में ही इंक्लूड रहता है। ये फिफी आइलैंड का जो पैकेज है इसमें इंक्लूड रहता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सपोज़ आप नॉन वेज बोले हैं और नॉन वेज में कुछ खाने के लिए आपको अच्छा ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं नॉन वेज के लिए बोला था तो नॉन वेज में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा खाना, ठीक है, मैं पहले नॉन वेज से प्लेट लिया था, नॉन वेज से ही खाना लिया था तो वहाँ पे चिकन का आइटम देखा तो चिकन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो मैं वेज की साइड में आया, यहाँ से देखा आलू है, थोड़ा सा टेस्ट किया, अच्छा लगा, फिर मैं वेजिटेरियन बन गया। पहले नॉन वेजिटेरियन था, अभी वेजिटेरियन बन गया। और आप देख सकते हैं ये पीछे ये वाला टॉयलेट्स है। बाहर बड़ी तेज़ धूप है, मेरे तो बाहर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। मैं सनस्क्रीन लोशन लगाया था लेकिन उसके बाद जब स्नॉर्केलिंग किया ना तो वो पूरा धो गया, फिर बोट पे आके लगाया लेकिन तब तक जो बर्न होना था हो गया। मैं मायाबे में गया था, जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन हम लोग पानी से ही देख रहे थे, हम लोग मायाबे का जो आइलैंड है वहाँ पर जा नहीं पाए क्योंकि मायाबे क्लोज था, वो कुछ इतना ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आने लग गए थे कि वो आइलैंड ख़राब होते जा रहा था, इसलिए सरकार ने उसे बंद कर दिए हैं, मतलब कितने दिन के लिए वो बताया नहीं है, लेकिन ये नेचुरल तरीके से जब हील हो जाएगा उसके बाद इसे फिर से खोल दिया जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ तो जेम्स बॉन्ड आइलैंड मुझे फिफी आइलैंड से अच्छा लगा। हाँ, अगर मायाबे ओपन हो जाता है तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फिफी आइलैंड भी आप 100% करें क्योंकि मायाबे जो मतलब पानी से जितना अच्छा देखने को लगा वो अगर आइलैंड में जाते तो शायद और भी अच्छा लगता। और मायाबे लियोनार्डो का जो फिल्म था ना द बीच, उसी मूवी के लिए फेमस हो गया था। और अगर आप ये समुंदर की तरफ देखें ना तो आपको समझ में आ जाएगा कितना टूरिस्ट आते हैं। चलिए देखिए एक बार, देख रहे हैं यहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप उस लाइसेंस को लेके थोड़ा सा दूर में जाके स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, आपके साथ गाइड रहेगा, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस रहता है तो आपको वो 20 से 50 मीटर तक नीचे लेके जाएगा। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको यही सामने कहीं पर करवाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक टूरिस्ट टिकट काउंटर बना हुआ है, मतलब अगर आप इस आइलैंड से अभी जाना चाहते हैं, फुकेट जाना चाहते हैं तो यहाँ से फेरी डिपार्ट होता है और इसका टाइमिंग दिया हुआ है और प्राइस भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़ और डे ट्रिप का यहाँ पे प्लान दिया हुआ है, जैसे वन डे स्नॉर्केलिंग, सेवन आइलैंड सनसेट एंड हाफ डे स्नॉर्केलिंग, मायाबे, ऐसा कुछ पैकेज यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आप पैकेज बुक करके भी वो सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैकेज लेके फिफी आइलैंड आते हैं तो आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा टाइम रहेगा।
और बोट पे चढ़ने का टाइम हो गया है और ये रहा मेरा बोट, मैं अभी बोट पे जा रहा हूँ और यहाँ से जाऊँगा और एक आइलैंड जिसका नाम है थाई आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, थाई आइलैंड, तो अभी वो थाई आइलैंड पे जाना है, उसके बाद वहाँ से फिर रिटर्न करेंगे फुकेट पे। हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप यूट्यूब देखते हो, अच्छा लगता है। आपका चैनल क्या है? मेरा चैनल है ट्रैवल एक्सपर्ट, ट्रैवल TRAVEL, उसमें कोई स्पेस नहीं है, उसके बाद XP8P, ठीक है। मैं कोलकाता से। कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? 3,700 के करीब। आप तो को दाम तो को। थैंक यू। तो मैं अभी पहुंच गया हूँ थाई आइलैंड पे, अभी यहाँ पे एक घंटे का टाइम दिया गया है, तो देखते हैं। यहाँ पे स्नॉर्कलिंग किया जाता है, तो मैं तो स्नॉर्कलिंग नहीं करूँगा, एक बार कर लिया हूँ। देखता हूँ इस आइलैंड में और दिखाने लायक क्या चीज़ है, मैं आपको दिखाऊँगा और उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पे वाटर मिलन और पाइनएप्पल, वाटर कोक कम्प्लीमेंटरी है, आप पी सकते हैं। तो मैं एक वाटर मिलन ले रहा हूँ। बहुत मीठा है, मैं तो दूध चार खा जाऊँ। 4:35 टाइम है, बहुत मीठा है। आज का टूर यहीं पे लगभग ख़त्म, अभी यहाँ से बोट करके सीधा जाएंगे फुकेट, वहीं पे जहाँ पे हम लोग बोट पे हम लोग चले थे, फिर वहीं से हम लोग को गाड़ी पिकअप करेगा और अपना हॉस्टल पे छोड़ देगा। तो आज का ये टूर सिर्फ ये चार जगह पे घुमा है, उसमें से दो आइलैंड थे और दो जगह पे हम लोग को बोट से उतर के स्नॉर्कलिंग करना पड़ा, और उसके बाद फिर हम लोग बोट से गए फिफी आइलैंड, और फिफी आइलैंड से हम लोग आए थे थाई आइलैंड। यहाँ पे करीब एक घंटा बीता है, उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं फुकेट के लिए। आज का ट्रिप ठीक ठाक था, लेकिन जेम्स बॉन्ड आइलैंड, फिफी आइलैंड, इन दोनों में अगर मेरा राय ले तो मैं आपको बोलूँगा कि जेम्स बॉन्ड आइलैंड मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जेम्स बॉन्ड आइलैंड में कैनोइंग था, आइसक्रीम केव था, लैंड था, वाटर था, सब कुछ था। इसमें फोर आइलैंड ठीक है, लेकिन फोर आइलैंड बोलते हैं लेकिन सिर्फ दो आइलैंड पे उतर रहते हैं, एक फिफी आइलैंड और एक थाई आइलैंड। हो सकता है कि ये ट्रैवल एजेंट या टूर एजेंट के ऊपर डिपेंड करे, दोनों आइलैंड का वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देख के आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा वाला आइलैंड ज़्यादा पसंद आया। मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं आपको गाइड किया हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू। तो फिलहाल मैं फिफी आइलैंड कंप्लीट करके आ गया हूँ, अभी शाम हो चुका है, लाइट चारों तरफ लाइट जल रहे हैं, और अभी शाम के
6:30 बज रहे हैं यहाँ थाईलैंड पे, तो मुझे जल्दी से हॉस्टल जाना है, कॉपी करना है ये सारे वीडियो को, बैटरी को चार्ज करना है, उसके बाद रेडी होके फिर निकलना है, क्योंकि बीच में आज पैटंग बीच में पार्टी है जो कि रात के 12 बजे काउंटडाउन भी शुरू होगा, तो मुझे वो एंजॉय करना है, आपको देखना दिखाना भी है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और ये काम कंप्लीट करके फिर बीच पार्टी में लौटते हैं, तो आपके साथ मिलते हैं बीच पार्टी में।